फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, लेट मी नो इफ वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अगर हमने कर लिया पहले से ही तो आप मेरे को बता सकते हैं। मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, आई कैन शेयर दैट विद यू। ये क्वेश्चंस क्या हमने कर लिए हैं? क्वेश्चंस ये कर लिए हैं, हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। लेट अस गो टू द मूवी। यस, होमवर्क जो दिया था उसको मैं चेक कर लूंगी लास्ट में। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप ध्यान से देखिए एंड कीप योर माइक्स म्यूटेड। बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पर नहीं क्रिएट करना है आपको। क्लास चल रही है, क्लास में शांति से सुनिए क्वेश्चन क्या है। आंसर करना है आप चैट बॉक्स के थ्रू करेंगे। अगर आपको बोल के आंसर करना है तो आप हैंड रेस करेंगे। बिना हैंड रेस किए कोई भी आंसर यहाँ नहीं बताएगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है आफ्टर द सेंटेंस। सेंटेंस के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है दो या तीन, उनमें से आपको चूज करना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस में आप भर सकते हैं, ठीक है? एंड उसके बेसिस पे आप यहाँ पर आंसर करेंगे। एंड रिमेम्बर ऑल द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड, उसके बेस्ड आप यहाँ पर आंसर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Let dash go to the movie today. If you want to answer, you can answer it through the chat box or you can raise your hand here. And remember, अगर किसी के background noise बिना यहाँ पर मेरे से पूछे किसी ने बोला या फिर किसी के तरफ से background noise आई तो यहाँ पर मैं फिर आपको तुरंत क्लास से बाहर कर दूंगी। डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है आपको, बोलना है आपको, यहाँ पर आंसर करना है। हैंड रेस करिए, इंसानों की तरह जरा क्लास अटेंड करो, ठीक है? यस, अगेन का माइक अनम्यूट हुआ। क्वेश्चन नंबर वन का ही आंसर अभी करिएगा। यस अभिषेक। यस मैम, फर्स्ट में आंसर होगा। ओके। यस, बाकी स्टूडेंट आप लोग जो यहाँ आंसर कर रहे हैं एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर करिए। जस्ट बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर विजिबल टू यू डज नॉट मीन कि आप एक ही साथ सबका आंसर कर दें। अदरवाइज यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आते जा रहा है, आपका आंसर कहीं पर बीच में ही छूट जाएगा जिस भी अदर क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन का पहले आप आंसर करिए। यस जया। मैम लास्ट वाला जो क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी आप, वो कंप्लीट हो गया था क्या? नहीं बच्चों, वो होमवर्क के लिए दिया था ना मैंने आपको, तो वो डिस्कस करेंगे एट द एंड। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके। ऑलराइट। यस, कीप ऑन आंसरिंग। आई हैव एन आई ऑन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दो दो तीन तीन आंसर कर रहे हैं। एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर करो बच्चे। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ चुका है काफी स्टूडेंट का। सो बाकी स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू आंसर दे कैन कंटिन्यू आंसरिंग। एंड आई वांट कि यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता पॉसिबल कि यहाँ पर 10 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें से एक भी आप आंसर नहीं करेंगे। तो जितने क्वेश्चन हैं उनमें से अगर पहला नहीं हो रहा है तो दूसरा बन जाएगा, तो दूसरे पे आंसर करिएगा। आई एम जस्ट गोइंग ऑन हियर, आई कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग हियर, ठीक है? जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है, तो बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। तो अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर चैट बॉक्स में आंसर करते रहिए। गलत होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन आंसरिंग। क्वेश्चन नंबर वन इज, लेट डैश गो टू द मूवीज। यहाँ पर वी और अस ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है?
तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड, हमारे पास जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग, लेट एक ऐसा वर्ब है जिस जो जब भी सेंटेंस में लगता है उसके साथ पूरे सेंटेंस में जो भी प्रोनाउंस लगे हैं उसमें कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं रहता है, ठीक है। आपका जो वर्ब है लेट, उसके साथ जो भी सेंटेंस फॉर्म होगा, अगेन किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है, लेट के साथ जो भी सेंटेंस फॉर्म होगा उसमें हमेशा आपका जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? दिस इज द रूल दैट वी हैव स्टडीड, सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, दैट द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी अस, ठीक है। लेट अस गो टू द मूवीज टूडे, मूवी टूडे। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन में अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अगेन बार बार बोल रही हूँ, माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए बिना वजह आपका, एंड रिमाइंडिंग यू अगेन, अगर किसी का डाटा प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यूज हैं, आप यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में एक बार लिख देंगे दैट माई नेटवर्क इज आई एम हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज, दैट्स व्हाई आई हैव टू रीजॉइन अगेन एंड अगेन, बिकॉज 1:30 के बाद मैं किसी को भी और अलाउ नहीं करूंगी। अगर 1:30 के बाद किसी ने भी यहाँ पर दोबारा लॉग इन किया तो आप यहाँ पर मुझे पहले मैसेज करेंगे। हेलो, ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर टू विल बी, I know the woman dash child was hurt. Answer question number two. Whose? Okay. Whose? Please raise your hand when you're answering so that I know. You're answering, ठीक है, ऐसे ही बोल के आप रह जाएंगे तो I'm not seeing how many students are answering. Yes, Akriti. Who's, ma'am? Okay. Rohit. Ma'am, who's? Yes, Manish. Ma'am, who's ही होगा. Okay. Anybody else who would like to answer? Yes, Ria. Ma'am, who's? Okay. Yes, roll number 107. Ma'am, whose hoga? Okay. 149.51. Sonali, your answer is same. All right. Yes, ma'am, whose? हाँ, सबको का आंसर सेम है, but can you tell me why whose यहाँ पर लगेगा? How many of you can tell me why whose will be used? यहाँ इस सेंटेंस में whose क्यों लगेगा? Raise your hand if you know the answer. Yes, Manish. मैम यहाँ पे woman दिया हुआ है इसके वजह से मैम. Yes, Pankaj. Pankaj, you can answer why whose यहाँ पर क्यों लगेगा यहाँ पर? Yes, ma'am. क्योंकि ma'am वहाँ पे जो women है वो एक living being है और उसी का बच्चा hurt हुआ था, इसलिए हम whose use किए हैं. Okay. So if anybody has a different answer, they can give me. अगर same answer है तो आप लोग hand lower कर लीजिए. अगर किसी का कोई different answer है जो अभी बता दिया इन दो student ने तो आप हैंड रेस करके रखिए, अदरवाइज बाकी लोग हैंड लोअर कर सकते हैं. यस अभिषेक, क्या आंसर है बच्चे आपका? मैम उसके बारे में पहले से पता है इसलिए पूछ लगा रहे हैं, औरत के बारे में. अमित, यस प्लीज डू नॉट आंसर ऑल द अदर. जो उमर है और उस बच्चे के बीच में रिलेशन, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ. 115. यस मैम,
Ma'am, if when we describe someone's belonging, we use whose. So the child is the woman's child. So it's her belongings. That's why we use whose. Okay. Yes. Students, if you are going to answer any question other than two, तो मैं आपका answer consider नहीं करूंगी. मैं यहाँ बार बार बोल रही हूँ, एक ही question का answer करो. और कर लिया है तो थोड़ा patience रखना सीखो. जो भी यहाँ पर सेकंड के अलावा कोई भी आंसर किया है, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर योर आंसर. यस अमित जया. यस यस जया, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई हूज यहाँ पर लगाएंगे सेंटेंस में? यस मैम, बिकॉज यहाँ पोजीशन रिलेशन हो रहे हैं ना, कि मदर वुमेन से चाइल्ड का पोजीशन मिस हो रहा है. ऑलराइट, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका जो पोजीशन रहता है, आपका तीनों जो यहाँ पर नाउन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हेन यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन चूज, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस इस सेंटेंसेस में है हु, हूज और हुम. ठीक है, अब पहली बात, यहाँ पर एक वुमेन के बारे में बात की जा रही है, चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है, और आई यहाँ पर जो भी है ऑब्वियसली पर्सन ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही यहाँ पर जो प्रेजेंट है सेंटेंस में, तीनों ही ह्यूमंस हैं. तो यहाँ पर हम इस चीज के बेस्ड यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीजें ह्यूमंस के लिए यूज होती हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग, हमारा जो सेंटेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कीप योर माइक्स म्यूटेड. ये जो सेंटेंस है, इसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? मतलब माइक्स मैं म्यूट करने बोलती हूँ तो अनम्यूट हो जाता है आपका माइक. कितना दिमाग तुम लोग का उल्टा है. यस, क्वेश्चन नंबर टू में जो सेंटेंस है, दैट इज आई नो द वुमेन डैश चाइल्ड वॉज हर्ट. मतलब इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, कि मैं उस औरत को जानती हूँ या जानता हूँ जिसके बच्चे को चोट लगी थी. राइट, दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज, दिस इज द मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय द स्टेटमेंट. तो यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब है, यानी कि मेन जो काम है सेंटेंस में, वो क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है? इस सेंटेंस को किसके अराउंड फॉर्म किया गया है? क्योंकि आपका जो सेंटेंस है उसमें हमेशा एक काम रहता है जो सबसे मेन रहता है, उसको मेन पे फोकस किया जाए. नहीं, वुमेन इज नॉट द वर्ब ना. काम क्या किया जा रहा है ये बताओ, क्या मेन काम हो रहा है इस सेंटेंस में? क्योंकि आपको अगर मेन काम मिल जाएगा तो उससे रिलेट करके आप सब्जेक्ट खोज सकते हैं. बच्चे के बारे में बताया जा रहा है. बच्चे के बारे में बताया जा रहा है. अच्छा, चाइल्ड वाले. ओके, जानना. यहाँ पर जो आपका मेन वर्ब है इस सेंटेंस, नो जानना. बच्चे आप माइक म्यूट करिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास, किसी ने भी यहाँ पर बिना पूछे अनम्यूट किया तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी. 10 बार बोल चुकी हूँ, क्लास तमीज से अटेंड करिए यहाँ पर. ठीक है, पढ़ने आए हैं तो पहले सुनिए. आप नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं और किसी और जाना है क्लास से बाहर, किसी का भी माइक बिना पूछे यहाँ पर अनम्यूट हुआ तो फिर मैं बताती हूँ तुम लोग को. क्लास में एक हफ्ता अटेंड नहीं करने दूंगी तुम लोग को. यस, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो मेन काम हो रहा है, दैट इज द मेन वर्ब दैट इज बीइंग डन हियर, जो एक्चुअल काम हो रहा है वो क्या है? नो काम. ठीक है, यहाँ पर I know मतलब मैं जानता हूँ, ये स्टेटमेंट का मेन वर्ब है. दैट मीन्स जो एक्चुअल काम हो रहा है वो जानने का काम हो रहा है. ठीक है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये इसके ऊपर बेस्ड है कि मैं कुछ जानती हूँ या मैं कुछ जानता हूँ. जो भी यहाँ पर आई है उसके लिए ये, वो उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उसने ये सेंटेंस फॉर्म किया है. तो आई नो, यानी कि नो आपका जो यहाँ पर नो है वो आपका मेन वर्ब है.
और कौन किसके लिए लगा है नो, नो लगा है आपका आई के लिए, यानी कि आई आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है। ये जो सेंटेंस है उसका उसका सब्जेक्ट है आई, ठीक है। अब आई के लिए यहाँ पर जो ये प्रोनाउन लग रहा है ये आई के लिए नहीं लग रहा है, तो हम हु नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हु किसके लिए लगता है, सब्जेक्ट के लिए लगता है। तो आई हम नहीं, आई के लिए यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यहाँ पर लगना है ये आई के लिए नहीं लग रहा है, तो हमें पता है कि आई के लिए नहीं लग रहा है, तो हम हु नहीं लगा सकते क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट के लिए लगता है। अंडरस्टूड? फिर वही काम कर रहे हो, मतलब 10 बार तुम लोग को समझा दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। जिसका क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है उसके अलावा कुछ भी आंसर कर लो, मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी तुम्हारा आंसर। इतना जो स्मार्ट तुम लोग बनते हो ना, एक सवाल पूछ देती हूँ क्यों हुआ, तो उसमें तुम लोग का हाल खराब हो जाता है। समझने की तरफ कोशिश करो, नहीं समझना है चले जाओ क्लास से, बहुत ज्यादा होशियार समझते हो अपने आप को, तो नहीं जरूरत है तुम्हें सीखने की। आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए हु नहीं लग रहा है, ये जो यहाँ पर प्रोनाउन लगेगा वो आई के लिए नहीं लग रहा है, तो हम हु नहीं लगा सकते। नाउ नो जो है हमारा के एन ओ डब्ल्यू नो एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए यहाँ पर अगेन किसी का माइक यहाँ पर अनम्यूट हो रहा है, बाहर निकाल दूं मैं क्लास से तुमको फिर। नो जो यहाँ पर आपका वर्ब है ये मतलब बार बार तुम लोग अनम्यूट कर रहे हो, कौन है ये लड़का? नो एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं देता है सेंटेंस में, यानी कि अगर ये सेंटेंस में लगा है तो अगर मुझे मेरे पास कोई जानकारी है, अगर मेरे पास कोई जानकारी है तो मैं यहाँ पर किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। मेरे पास अगर कोई नॉलेज है तो उससे किसी और को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो इसमें यहाँ पर हमारा इस टाइप का जो सेंटेंस रहता है जहाँ पर नो लगा रहता है वहां पर हम ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा, तो हुम भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि हुम हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। अंडरस्टूड? तो इसी वजह से हम यहाँ पर हुम भी नहीं लगा सकते। तो लास्ट में बचा क्या हमारे पास ऑप्शन? हुज। ये आपका एलिमिनेशन मेथड हुआ, यानी कि आपने गलत आंसर्स को एलिमिनेट किया और उसके थ्रू आपने यहाँ पर सही आंसर निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो हुज यहाँ पर इसीलिए लगेगा क्योंकि ये दोनों आंसर गलत हैं, और हुज यहाँ लग किसके लिए रहा है, हुज यहाँ पर पोजिशन बताने के लिए लग रहा है, द वुमेन एंड चाइल्ड उसके बीच का रिलेशन बताया जा रहा है, जो वुमेन है और चाइल्ड है उन दोनों के आपस में रिलेशन बताया जा रहा है कि वो बच्चा जो है इसी वुमेन का है जिसको मैं जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर रहेगा आपका, सही आंसर जो आपका रहेगा दैट विल बी हुज, ठीक है। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। डैश हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, डैश हैव यू गॉट इन योर पॉकेट? यस आकृति। व्हाट मैम? आकृति आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम। हाँ आंसर बताइए। व्हाट मैम? सॉरी व्हाट? आंसर व्हाट है? बच्चे हाथ रेस करके जरा बोल दीजिए, इतनी भी मेहनत नहीं लगती है हैंड रेस करने में। यस मनीष मैम, व्हाट ही होगा। Okay, give me a minute. I think there is an issue in my audio. I'm not able to hear your voices. Yes, Manish, now you can answer. Ma'am, what hi hoga? Okay. Akriti and Riya, do you have the same answer? Yes, ma'am. Okay. So, yahan jo sawal pucha ja raha hai aapse, question jo hai, that is,
व्हाट हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पॉकेट में क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर विच लगाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सही नहीं बैठेगा। विच हैव यू गॉट मतलब विच आपका किसके लिए लगता है, कौन सा है, या फिर विच बुक वुड यू लाइक का मतलब क्या कि कौन सी बुक चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर जो है विच के साथ फॉर्मेट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर व्हाट लगाएंगे। सो आंसर वुड बी व्हाट। क्वेश्चन नंबर फोर, डैश टेक एनीथिंग डैश यू लाइक। यस पंकज, मैम क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही बोल रहे थे मैम। हाँ बच्चे बोलिए। कि मैम वहाँ ये भी तो रीजन हो सकता है ना मैम कि व्हाट किसी चीज को कंटेंट के रिप्रेजेंट में डिनोट करता है ना मैम, जैसे पॉकेट में आखिर क्या हो सकता है, उसके पॉकेट में कंटेंट के बारे में पूछ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट मैम। हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या है ना कि यहाँ पर आपका जो विच यूज होता है किसके लिए, हमने पढ़ा था विच हमारा सिलेक्शन के लिए यूज होता है, तो व्हाट हमारा पूछने के लिए, किसी के बारे में कोई एक कंटेंट है कि क्या है, ये पूछने के लिए यूज होता है। तो एक तरह से आप कंटेंट ही पूछते हो, जैसे लेटर में क्या लिखा है तो लेटर का कंटेंट क्या है, ठीक है, बॉटल में क्या है तो बॉटल का कंटेंट क्या है, तो आप कंटेंट पूछने के लिए एक चीज वर्ड यूज करते हो। ओके यस मनीष, मनीष यू कैन आंसर विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर आर यू आंसरिंग? यस मैम, क्वेश्चन नंबर फोर यू टेल ना मैम, क्वेश्चन नंबर फोर। यस विच होगा मैम। ओके रिमेम्बर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न, विच और दैट कहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दोनों चीजें हैं, विच भी हो और दैट भी है, तो हमने पढ़ा था कि विच किसके लिए यूज होता है और दैट किसके लिए यूज होता है। Remember all those rules and then you can go ahead and answer those. Okay, so question number four का भी बहुत सारे लोग answer कर चुके हैं, so let's see what is the answer here. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है take anything dash you like, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी पसंद है वो ले लो। Now यहाँ पर According to the context, क्या लगना चाहिए, which लगना चाहिए या that लगना चाहिए, हमें पता है कि which किसके लिए use होता है और that किसके लिए use होता है। The thing is that आपका use होता है to create a connection between two different parts, ठीक है। तो यहाँ पर two different parts नहीं है, पूरा एक sentence ही है। Which आपका use होता है selection के लिए, but selection of the things that you know of, यानी कि अगर आपको स्पेसिफिक डेफिनेट नंबर पता है या ऑब्जेक्ट पता है तब आप यहाँ पर विच यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो वहां पर विच के सिलेक्शन में एग्जाम्पल दिया था वो क्या था, विच ऑफ द टेलीविजन सेट्स वुड यू लाइक, यानी कि आपके पास स्पेसिफिक ड्यूरेशन है या स्पेसिफिक कोई एक पेक्यूलियर थिंग है कि यहाँ पर सिस्टम है या टेलीविजन सेट है, उसी में से आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो यानी कि आप विच तब यूज करेंगे सिलेक्शन में व्हेन यू हैव द स्पेसिफिकेशंस विद यू, ठीक है। अगर आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे यहाँ पर सिस्टम रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सिस्टम आप यूज करेंगे या फिर इनमें से कोई भी सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच। जब आपके पास डेफिनेट है कि यहाँ पर क्या चीजें हैं आपके पास बताने के लिए, उस केस में आप विच यूज करते हैं। That आप यूज करेंगे जब आपके पास कोई डेफिनेट ऑब्जेक्ट या डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस में आप ये नहीं बता रहे, जैसे इनडेफिनेट जो प्रोनाउंस यूज होते हैं ना, एनीथिंग, एनीवन, एवरीथिंग, एवरीवन, समवन, समथिंग, ये सारी चीजें जब आपके सेंटेंस में लगी है, दैट मीन्स यू हैव नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस केस में आप यहाँ पर दैट यूज करते हैं, ठीक है। जब आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना रहे, उस केस में आप यहाँ पर दैट यूज करेंगे। सो दिस सेंटेंस वुड बी टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव। डैश कैन आई डू फॉर यू,
dash can I do for you? Yes, Akriti. What can I do for you? Okay. Manish, do you have the same answer for me? Yes, ma'am. Okay. All right, so I'm getting the same answer. So I expect ki yahan par kisi ko koi doubt nahi hona chahiye. If I'm using here what, to kyun use ho raha hai, ye aap sabhi ko pata hai ki again yahan par main aapke liye kya kar sakta hoon, ye question pucha ja raha hai. ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ, क्या क्या इंग्लिश वर्ड होगा, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू. और यू कुड हैव यूज द एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करते, दैट से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता. इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, नॉट एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सो क्वेश्चन मार्क लगा है तो दैट आपका एलिमिनेट हो गया. विच आपका यूज नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन करा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, यानी कि एग्जैक्ट सिलेक्शन आपको भी नहीं पता वहां पर. ठीक है, वो कुछ भी करने के लिए बोल सकते हैं आपको, आपको तो नहीं पता क्या करने बोलेंगे, राइट. तो इस केस में आपको डेफिनेट सिलेक्शन नहीं पता है, तो विच आप यूज नहीं कर सकते हो. क्या करने के लिए पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, दैट मीन्स यू आर गिविंग एन ओपन. Yes, you are giving an open question. What can I do for you? का मतलब मैं आपको open question कर रही हूँ कि आपको जो यहाँ करवाना चाह रहे हो, जो भी चाहिए, जो भी help चाहिए, वो मैं आपको ले कर सकती हूँ. ठीक है, अगर doubt है तो पूछ लो, otherwise move on to question number 6. This room is for you and dash. Yes, Manish. Ma'am, me होगा, you and me. Okay. Akriti, you can answer your question. Me hoga, ma'am. Yes, rest of the students also, aap fatafat yahan par answer kar lijiye. I'll keep on explaining. Neeraj, do you want to answer the question? No. Then keep your mic muted. Yes, question number 6, as we were discussing. This room is for you and me hoga ya myself hoga. Aapke paas kyunki yahan par me aur I rehta, so there might be some confusion. See, यहाँ पर जो क्वेश्चन है या फिर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, दैट इज दिस रूम इज फॉर यू एंड डैश, दैट मीन्स ये रूम मेरे लिए और तुम्हारे लिए है. यानी कि यहाँ पर आप स्टेटमेंट में देख पा रहे हो, देर इज नो स्पेसिफिक वर्ब हियर. ठीक है, देर इज नो वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है. तो जब मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा. सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगना है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं गिवन है, आप बस एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ये रूम किसके लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर मी जो है आपका आंसर रहेगा. अगर किसी को डाउट है कि माइसेल्फ क्यों नहीं लगा, तो वो भी बता देती हूँ. माइसेल्फ आपका रिफ्लेक्टिव केस होता है, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया जा रहा. अगर ये बोला जाता स्टेटमेंट में कि ये जो रूम है वो सिर्फ मेरा है, या फिर ये रूम पर्टिकुलरली मेरा है, मैं ही यहाँ रहती हूँ, इन सभी सेंटेंसेस में आप माइसेल्फ का यूज कर सकते थे. दिस रूम बिलोंग्स टू मी, आई लिव इन दिस रूम बाय माइसेल्फ. ठीक है, या दिस रूम बिलोंग्स टू अलोन माइसेल्फ. इस तरह का स्टेटमेंट आप तब लगाएंगे व्हेन ओनली यू आर द वन यूजिंग दिस रूम. लेकिन यहाँ पर आपके अलावा यू भी है, मी के अलावा यू भी है, तो उस केस में आप यहाँ पर माइसेल्फ नहीं लगा सकते हो. बिकॉज रिफ्लेक्शन आपका कोई अकेले का काम हो रहा है तब होता है. ठीक है, या फिर आप सब मिलके कर रहे हो तो देमसेल्फ होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
he behaved in such a manner dash I had never hoped. Yes, Manish. Ma'am, that I had never hoped. Okay. Akriti? Yes, ma'am, that I had never hoped. Okay. Anybody else who would like to answer? They can go ahead and write the answer in the chat box or just raise your hand. Yes, roll number 107. That hoga, ma'am. Okay. 77, batch 2. That hoga, ma'am. Okay. Yes, lovely. Ma'am, which hoga? मैम वेटिंग रूम में कोई है उसका डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चे बार बार कह रही हूँ डिस्कनेक्ट हो जाता है लेट देम लीव अ मैसेज हियर इफ दे आर नॉट गोइंग टू लीव अ मैसेज हाउ वुड आई नो दैट दे आर हैविंग नेटवर्क इश्यूज एंड नॉट जॉइनिंग द क्लास लेट अगर नेटवर्क इश्यूज हो रहा है किसी का भी बार बार रिपीट कर रही हूँ Send me a text in the chat box so that I have proof that you are having network issues. All right. So, ye statement hai. Aap log answer kar sakte hain. Continue answering the questions. He behaved in such a manner dash I had never hoped. See, this is a tricky sentence. Kyunki yahan par that or which mein bahut logo ko confusion ho sakta hai. किस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दैट इज यूजिंग एन एज एज यूज नहीं होगा एज आपका कंपैरिजन के लिए यूज होता है एंड इट इज नॉट अ प्रोनाउन पहली बात तो ये प्रोनाउन है नहीं दूसरी बात ये कंपैरिजन के लिए सिर्फ यूज होता है सो देर इज अ बीइंग कंपैरिजन यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसा मैंने नहीं सोचा था वैसा उसने बिहेव किया या वैसा उसने बिहेव किया जैसा मैंने सोचा नहीं था But this is not an exact question or exact statement where you can use such as साथ में लगता है या फिर such के साथ कुछ ऐसा लगता है जो comparison में help करता है ठीक है तो as आपका use यहाँ पर नहीं होगा next आपका that और which में है which आपका use होता था last जो option था जहाँ पर लिखा हुआ था कि which किसके लिए use होता है तो which use होता है when you are referring to the statement तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है ठीक है देर इज टू पॉसिबिलिटी हियर अगर ही बिहेव्ड इन सच अ मैनर ये पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोनाउन लग रहा है ठीक है ये पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक प्रोनाउन लग रहा है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम विच यूज करते हैं ठीक है रिप्रेजेंटेशन के लिए हम विच यूज करेंगे लेकिन अगर हमारा यहाँ पर सेंटेंस जो है कनेक्ट हो रहा है यानी कि यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट ये पोर्शन जो है दैट इज ही बिहेव्ड इन सच अ मैनर ये पहला सेंटेंस या फिर पहला पार्ट सेंटेंस का आई हैड नेवर होप ये दूसरा पार्ट अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट लगा रहे हैं यहाँ पर प्रोनाउन लगा रहे हैं तो वो हम लगाएंगे दैट ठीक है अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहे हैं आपस में इसके लिए प्रोनाउन लगा रहे हैं तो दैट लगेगा अगर हम ये पहले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते तब यहाँ पर विच लगता ठीक है ना यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते हम ये स्टेटमेंट ठीक है तो इस स्टेटमेंट में जैसा कि ये स्टेटमेंट है he behaved in such a manner ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है अगर आपको स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करना है इसका मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि ही वॉज एब्सेंट इन द क्लास विच आई हैव होप्ड या विच आई हैवंट होप्ड आई हैव नेवर होप्ड कि वो पर्सन जो था वो क्लास में एब्सेंट था जो कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है कि ही वॉज एब्सेंट ये कंप्लीट स्टेटमेंट है ही जो भी है वो पर्सन यहाँ पर एब्सेंट था क्लास में ठीक है ये कंप्लीट स्टेटमेंट है आपको बता रहा है कि वहां पर क्या बात हो रही है ही बिहेव्ड इन सच अ मैनर आपको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि उसने गलत तरीके से बिहेव किया या सही तरीके से बिहेव किया अंडरस्टूड इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग यू द एग्जैक्ट वे ऑफ हाउ
ही हैड बिहेव्ड। इसके लिए क्या होगा कि अगर यहाँ पर लिखा रहता कि ही हैड बिहेव्ड इन सच अ बैड मैनर या फिर ही हैड बिहेव्ड इन सच अ वर्स मैनर, तब आप यहाँ पर विच यूज कर सकते थे, क्योंकि तब आपका स्टेटमेंट कंप्लीट रहता और कंप्लीट स्टेटमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, तो इस अधूरे स्टेटमेंट को इसके साथ कंप्लीट करने के लिए हम दैट लगाएंगे, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ही बिहेव्ड इन सच अ मैनर दैट आई हैड नेवर होप्ड। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7? ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 डैश आर यू आस्किंग अबाउट क्वेश्चन? यस मनीष मैम, हुम आर यू आस्किंग अबाउट? Yes, roll number 60, Ujwal. Yes, ma'am. Whom are you asking about? Okay, Akriti, do you have the same answer for me? Yes, ma'am. Okay. Yes, rest of the students, keep on answering. जो भी आपका doubt रहेगा, अगर previous classes से related या previous questions से related, तो you can ask. Yes, I can see still there are students who are not answering any of the question. बच्चे नहीं पढ़ना है तो आप शौक से क्लास से बाहर जा सकते हैं। क्लास में यहाँ पर अटेंडेंस के लिए बैठिएगा तो उससे कुछ नहीं हासिल होगा आपको। This is not something that you have an examination, university exam नहीं होगा ना इसका। ये आपका add on subject है, ये आपके आगे future के लिए काम आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है या आप पढ़ नहीं सकते हो, जरूरी नहीं है पढ़ना, तो आप शौक से क्लास से बाहर बैठ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं अटेंड करने की क्लासेस। Yes, again I'm telling there are students who are joining again and again. Network issue hai, leave a message in the chat box. How many times do I have to say a single word to get a single sentence from you? Ek message chat box mein chhod dijiye, ma'am mera network issue ho raha hai. Itna sa likhne mein aapka kitna network issue ja raha hai? Yes, this question, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आर यू आस्किंग डैश आर यू आस्किंग अबाउट। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि तुम किसके बारे में पूछना चाह रहे हो या किसके बारे में पूछ रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, यानी कि यहाँ पर पूछने का काम हो रहा है। दैट मीन्स द मेन वर्ब इन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, और आस्क कौन कर रहा है, यू कर रहा है, यानी कि आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है दैट इज यू। यू के लिए यहाँ पर प्रोनाउन नहीं लगा है, ये जो प्रोनाउन यहाँ पर लगेगा जो क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है वो यू के लिए नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर हु नहीं लगा सकते क्योंकि सब्जेक्ट के लिए नहीं लग रहा है। अब सब्जेक्ट के लिए नहीं लग रहा है तो हु नहीं लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज
यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी के चीज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका विच भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन करने के लिए विच यूज होता है, विच वन वुड यू लाइक, तो अगर विच वन रहता कि विच वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर यू आस्किंग अबाउट, तब सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे सेंटेंस में हम विच लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर विच नहीं लगा सकते क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा है. What we are doing here, we are asking about the person. यहाँ पर you जो है वो एक person के बारे में हमसे पूछ रहा है और हम उससे confirm हो रहे हैं कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, यानी कि you के पूछने से, ठीक है, you जो question कर रहा है उसके बारे में उसको किसी के बारे में information मिलेगी, तो हो सकता है वो उससे साथ के बात करे या कुछ भी करे, यानी कि उस person पे effect पड़ेगा, तो वो हमारा subject हो गया. क्योंकि सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, होम इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, यू पूछ रहा है किसी और के बारे में, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए नहीं लग रहा है तो हू नहीं लगेगा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो विच नहीं लगेगा, लास्ट क्या ऑप्शन बचा, हू, ठीक है. अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Behind dash and dash were many feet. Yes, Ujwal. Behind dash and dash were many feet. Ma'am, behind him and me were many seats. Okay. Anybody else? Yes, ma'am. Same. Behind ma'am. Him and me. Yes, Manish, do you have the same answer? No, ma'am. I have a doubt, but answer is my he and I, ma'am. Hona chahiye. ओके, ही एंड आई होना चाहिए. चलिए ठीक है, क्या डाउट है बोलिए. मैम यहाँ पे हिम भी हो सकता है पर वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब जो है वो उसके अनुसार मैम आई ही एंड आई के साथ वर्ब होना चाहिए. ओके यस, आई विल क्लियर इट, जब ये समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. यस, कुछ स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन का आंसर कर के छोड़ दिए हैं, उसके बाद से फिर आंसर नहीं कर रहे हैं. बच्चे गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सही हो रहा है कोई बात नहीं, इजी लग रहा है कोई बात नहीं, जस्ट कीप ऑन आंसरिंग, बी मोर पार्टिसिपेटिव इन योर क्लास, ठीक है. आपको नहीं पता है क्या चीज कल को के कहाँ पर हेल्पफुल हो जाए आपके लिए. Yes, how many students have answered? 44 student ne, 48 student ne abhi tak answer kiya hai, and excluding these three students, to hum yahan par inko ekar include karein, to approximate 55 to 60 student have already answered. Chaliye, tab yahan par main fir samjha deti hu yahan par kya lagega, kaise lagega. All right, so question number 9 में बिहाइंड डैश एंड डैश वर मेनी सीट, ये बताया जा रहा है. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है पहले हम देख लेते हैं. क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस अगेन, यहाँ पर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में. अंडरस्टूड? If you don't have a main verb in the sentence, that means you don't have a subject in the sentence. And when there is no subject, तो आप यहाँ पर according to the subject नहीं लगा सकते हो, यानी कि he और I नहीं लगेगा, ठीक है. Next thing, sequentially according to the sequence, आपका जो pronoun का sequence था, personal pronoun का sequence था, उसके according यहाँ पर आपका जो statement लगेगा, that would be सेकेंड थॉट, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई जा रही है. दैट मीन्स योर सीक्वेंस वुड बी सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन. अब क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पर्सन नहीं है प्रेजेंट, तो हम यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट पर्सन लगा रहे हैं. दैट मीन्स थर्ड पर्सन पहले आएगा और सेकेंड पर्सन उसके बाद में आएगा. नाउ इफ यू हैव अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द वर्ब इन द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब,
वो उसमें अगर आपको डाउट है तो मैं समझा दूं कि यहाँ पर आपका जो प्रोनाउंस है दैट आर कनेक्टेड विद एंड सिंगुलर प्रोनाउंस आर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 2 अंडरस्टूड यहाँ पर एंड के साथ लगाने में इसका मतलब ये होता है कि आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंक्रीज कर गया है That is why यहाँ पर वर लगा Understood? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा behind him and me were many seats. ठीक है ये हमारा sentence हो जाएगा अगर किसी को doubt है raise your hand you can ask the question अगर नहीं then move on to question number 10 neither she nor they have What dash book? Yes, Akriti. Dear books, ma'am. Dear books. Manish, Ujwal, you have the same answer? Yes, ma'am, same answer. Dear books. All right, then. Anybody else? Rest of the students, you can keep on answering. I'm just looking here how many people have already answered. All right. This question would be neither she nor they have bought. यहाँ पर देखिए neither nor वाला केस आ रहा है तो neither nor वाले जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ठीक है अगर हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है एक प्लूरल नाउन है तो ये वाला एक रूल था कि किस तरह स्ट्रक्चराइज होगा आपका सेंटेंस नाउ देर इज नो नाउन इन द सेंटेंस बट देर इज पर्सनल नाउन पर्सनल प्रोनाउन जो कि हमारे नाउन के जगह पे लगता है यानी कि आपका जो नाउन है वो उसी जगह लगा होगा जहां पर ये सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस लगे या प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस लगे पर्सनल प्रोनाउन यानी कि उनको हटा के आप वहां पर जो भी नाउन यूज कर रहे थे वो आप यूज कर सकते हैं ठीक है सो नीदर शी नॉर दे हैव बॉट डैश बुक्स यानी कि यहाँ पर जो नीदर नॉर वाला रूल था अकॉर्डिंग टू दैट आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहेगा उसमें सिंगुलर स्टेटमेंट पहले आएगा सॉरी सिंगुलर नाउन पहले आएगा यानी कि शी यहाँ पर पहले आना चाहिए था जो कि है यहाँ पर ऑलराइट बच्चे माइक किसका अनम्यूट हुआ है कीप योर माइक्स म्यूटेड व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग वो मेरी आवाज के साथ डिस्टॉर्ट हो जाता है ठीक है यस तो सिंगुलर नाउन आपका पहले आएगा तो शी पहले आया हुआ है नेक्स्ट इज दे आपका यानी कि प्लूरल नाउन बाद में आएगा और सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द प्लूरल नाउन लगेगा यानी कि दे के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस लगेगा देन इट शुड बी देयर बुक्स ठीक है दे के साथ आपका देयर बुक्स आएगा इफ देयर इज हैविंग एनीवन इफ देयर इज एनीवन हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क मी यस मनीष मैम 9 नंबर का हिंदी क्या होगा हमारे और मेरे और तुम्हारे पीछे सीट जो है वो खाली है या तुम्हारे और मेरे पीछे जो सीटें हैं वो सीट्स हैं वो सारी खाली हैं या सीट्स हैं पीछे हमारे एनी अदर क्वेश्चन कोई भी डाउट क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में से किसी को भी कोई डाउट है चलिए नहीं है डाउट देन लास्ट क्लास जो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चंस का वो क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं यस व्हिच क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू फॉर द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये क्वेश्चन दिए थे कौन सा क्वेश्चन जया विच क्वेश्चन आई हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 6 5 7
11 मैम 11 11 मैम 11 None of these two officers have been looking after his department well. ये वाला Yes ma'am. How many of you have answered? Just raise your hand. How many of you have answered? दो ही स्टूडेंट हैं, बाकी स्टूडेंट बाकी ने किसी नहीं किया. None of these two officers have been looking after his department work. Okay, I have got four students who can answer this question. Anybody else? Okay, Jaya, yes. Can you answer which part has the error? Sirf error wala part. Yes, ma'am. One. Okay. None of these ki jagah neither of these. Yes. Now all of the six students yahan par Jaya koi hand lower nahi karega. Let me just write it down somewhere. Yes. Batch 171 Jaya. Jaya and batch 158. Bachche mic kiska on hai? Mic off kariye please. इंटरप्शन होता है बहुत ज्यादा, मेरी आवाज कट जाती है वीडियोस में जो अपलोड होते हैं उसमें मेरी वॉइस कट जाती है, तो मैं जो भी समझा रही होती हूँ जब आपका माइक ऑन होता है वो नहीं सुनाई देता है वहां पर. पूछना है हैंड रेस कर लीजिए, बताना है हैंड रेस कर लीजिए. यस, ये छह से ज्यादा कैसे बढ़ गए नंबर? आप लोग सब ने बना लिया है क्वेश्चन ये वाला? यस. तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैंड रेस कर रखे हैं, जया ने आंसर बताया कि वन नंबर में यहाँ पर एरर है, नन की जगह नाइदर लगना चाहिए. आप में से किसी का भी आंसर इससे अगर अलग है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं. आप में से किसी में 11 स्टूडेंट हु हैव रेज्ड देयर हैंड, एनीवन जिसका ऑप्शन यहाँ पर जया से अलग है या फिर जो करेक्शन उसने बताया उससे अलग है, तो आप यहाँ पर हैंड आप यहाँ पे बोल सकते हैं. नहीं है सबका सेम आंसर है यहाँ पर? यस मैम बोल दीजिए, सबका सेम आंसर है यहाँ पर? यस मैम. ओके यस मैम. यस, लेट अस डिस्कस दिस. इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें भी अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आंसर. ठीक है. यस, क्वेश्चन नंबर 11 में नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैव बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल. नाउ यहाँ पर टू ऑफिसर्स स्पेसिफाई किए गए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास दो हैं. नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दो हैं, इसका मतलब कि आपको यहाँ पर नन यूज नहीं करना था. नन आप स्पेसिफिकली यूज करते हैं व्हेन यू हैव ओनली मोर देन टू नाउन और मोर देन टू सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस. इन दैट केस आप यहाँ पर नन यूज करते हैं. अगर नहीं तो यहाँ पर नाइदर या फिर आइदर यूज होगा. और क्योंकि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि दोनों में से किसी ने भी अपने डिपार्टमेंट का काम सही से नहीं किया या डिपार्टमेंट की देखभाल सही से नहीं की, इसका मतलब कि यहाँ पर नाइदर आएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों ने काम नहीं किया, दैट मीन्स नाइदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैव बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल. अगर किसी को डाउट है, हिज यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कम किसी एक को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया. Neither or either वाले केस में प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर लगते हैं इफ यू कैन स्पेसिफाई. ठीक है. यस, एनी डाउट्स? एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट? यस, यू कैन लोअर योर हैंड्स. बच्चे आप लोग हैंड लोअर कर सकते हैं अपना.
यस क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आ गया था, लास्ट क्वेश्चन जो मैं समझा रही थी दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बता सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। रोल नंबर 58 एंड रोल नंबर 129, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है क्या? No, I'm not answer. No, I'm not asking you to answer the question. I'm just telling you, ये आंसर मैंने बता दिया था। अगर आपको डाउट है तो no, ma'am. चलिए ठीक है, डाउट नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं हमारे आज के क्लियर हो गए हैं इतना। यस, वन मोर थिंग, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आंसर करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर आपका जो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर ये सारी चीजें व्हेन यू आर एक्टिव इन क्लास दिस हेल्प इन योर एमआरक्यू, ठीक है, ये आपके एमआरक्यू में हेल्प करता है क्योंकि 2-3 नंबर या 5 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं एमआरक्यू में जो बच्चे कभी कभी में अटेंड करते हैं क्लासेस में सही आंसर देते हैं उन सबका मार्क्स यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर एंड नेक्स्ट क्लास भी अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं अगर किसी के पास प्रोनाउंस की फाइल या नाउन की फाइल अभी तक नहीं है तो वो शेयर कर ले अपने आपस में दोस्तों के साथ, ग्रुप में मैंने दोनों फाइल शेयर कर दी है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिसके पास फाइल नहीं है तो वो मुझे एक बार ईमेल कर दे या मैसेज कर दे, मैं उसको सेंड कर दूंगी, ठीक है। जो भी रूल्स पढ़ाए हैं उसमें अगर किसी को डाउट है तो आप क्लियर अप कर लेंगे। यस जया मैम, आपने जो प्रोनाउन का पीडीएफ भेजा है उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी आपको मेल करना है सॉल्व करके लास्ट वाले की तरह। बिल्कुल, नाउन पे आपने भेजा था वही नाउन प्रोनाउन तो मुझे सेंड करने हैं बनाकर, एंड डू नॉट ऑफ पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वर्ड फाइल में बनाइए, वर्ड फाइल में ही आंसर करिए और वही आंसर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, यू नीड नॉट कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ फाइल, ठीक है, पीडीएफ फाइल में बिल्कुल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, लास्ट टाइम जो मैंने नाउन की फाइल आपको भेजी थी उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये देखा है कि आप लोग कॉपी करके पीडीएफ भेज रहे हो, सेम पीडीएफ मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स का आया है जिसमें सेम बैकग्राउंड लगा हुआ है, सेम तरह की गलतियां की गई हैं उन्होंने। देखो आपको ये बात समझ में नहीं आती है लेकिन यहाँ पर जो चीटिंग होती है ना वो कभी भी सही आंसर से नहीं पकड़ाता है, चीटिंग हमेशा गलत आंसर से पकड़ाते हो तुम लोग, ठीक है। और कुछ बच्चों ने साइट से खोजने की कोशिश की है, गूगल से खोजने के आंसर निकाला है उन्होंने, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक बार में रीड करने से मुझे पता चल जाती है किसने किस तरीके से वहां पर आंसर किया है। तो जिसने चीटिंग किया ना उसके नंबर मैंने काटे हैं, उसके सिर्फ सबमिशन के नंबर लगे हैं, अगर उसने क्लास में कभी आंसर किया है तो उसके नंबर लगे हैं, उसका असाइनमेंट का नंबर मैंने नहीं दिया। तो ट्राई नॉट टू डू दोस थिंग्स इन द क्लास, ठीक है। एंड सब्जेक्ट जब आप भेजते हैं मुझे यहाँ पर, सब्जेक्ट बताया था पिछली बार भी, ठीक है, सब्जेक्ट आपका रहेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट में नाम रहेगा, सब्जेक्ट किसी ने खाली छोड़ा हुआ है, किसी ने तो फाइल पूरी भेज दी है उसमें ना नाम है ना रोल नंबर है ना बैच है ना आईडी है, कुछ नहीं है। आप लोग बैच 1 बैच 2 आप लोग का है, 2 बैचेस डिवाइडेड हैं, तो बैच 1 बैच 2 बीसीए एकेयू ये सारी चीजें लिखनी है वहां पर, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर लिख के बताया था क्या क्या चीजें यहाँ पर मुझे चाहिए ताकि आपको डाउट ताकि मुझे डाउट ना हो किस स्टूडेंट का यहाँ पर आया है मेरे पास मेल। इसके बावजूद इस पैटर्न में मुझे शायद ही किसी का यहाँ पर मिला है फाइल, ठीक है, ये चीजें बार बार नहीं होनी चाहिए क्लास में। ऑल राइट, अभी किसी को डाउट है